ये जो आप जिनको ड्राइवर कह रहे हैं, ड्राइवर कौन है जो गाड़ी चलाता है? वो ड्राइवर है। आप यदि गाड़ी लेकर जा रहे हैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ और एक्सीडेंट हो गया, तो वो कह रहे हैं आपके ऊपर 10 साल की सजा है और 10 लाख रुपए का प्रावधान है, 7 लाख या 10 लाख रुपए का प्रावधान है। तो ड्राइवर वो जो गाड़ी लेकर जा रहा है, तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाला गाड़ी लेकर जाएगा यदि एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ नहीं रुकता है, तो अब उसके ऊपर 10 साल की सजा है उसको, मतलब 10 साल की सजा है उसको स्कूटर मोटरसाइकिल से यदि एक्सीडेंट हो गया। तो कार से एक्सीडेंट हो गया, वो अपने बीवी बच्चों के साथ है, वहाँ माहौल ऐसा नहीं है, तो उसको 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है या 10 लाख रुपए का जुर्माना है, जो भी है। ये कानून तो काला कानून है, इसको तो वापस लेना पड़ेगा। आप ये कानून लागू कर ही नहीं सकते, आपको कोई राइट ही नहीं है ये कानून लागू करने का। आप कैसे ले आए ये कानून? जैसे आप किसानों के लिए काला कानून लेकर आए थे, वैसे आप देश विरोधी कानून है, ये भारत विरोधी कानून है, देश के 130-140 करोड़ लोगों के खिलाफ है। हर व्यक्ति स्कूटर मोटरसाइकिल और कार चलाता है, बस चलाता है, ट्रक चलाता है। ये बेचारे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने देश की आवाज़ उठाई है। ये उनके खिलाफ नहीं है अकेले, पूरे देश के खिलाफ है। आप अचानक पहले कानून बना हुआ है कि यदि कोई गाड़ी लेकर जा रहा है उससे एक्सीडेंट हो गया, उसमें सजा का प्रावधान है, सफिशियंट है। हाँ, यदि कोई जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट करता है तो उसके लिए तो 302 का प्रावधान है। आप अचानक ये कानून लाते हैं, पूरे देश को इधर लगा दिया, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको पता है राजस्थान में जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, अशोक गहलोत की सरकार थी, हमने ये कानून बनाया कि रास्ते में यदि कोई एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को, चाहे वो मृत हो चाहे वो घायल हो, यदि आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, अभी कानून है राजस्थान में इस वक्त हमारा बनाया हुआ कानून है, तो आपको हम उनको 5,000 रुपये देते हैं, कोई भी आदमी। तो अब कोई आदमी डरता नहीं है, राजस्थान में उसको बॉडी को लेकर जाता है या उस घायल व्यक्ति को लेकर जाता है, उसको बचाता है, तो हम उसको 5 लाख रुपये देते हैं। तो 5 लाख रुपये हम उसको दे रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये उसको दे रहे हैं, तो आप वो राशि 50,000 बढ़ा दो। आप कह दो कि यदि कोई एक्सीडेंट हो रहा है और उस व्यक्ति को, यदि वो मृत हो गया है और यदि वो घायल है, तो हम उसको 50,000 देंगे। तो केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप 50,000 रुपये देने की घोषणा करो तुरंत, आदमी लोग वैसे भी पहुँचाते हैं, पहुँचा देंगे। आप कह रहे हो उस ड्राइवर का रुकना जरूरी, कई बार होता है क्या, मॉब लिंचिंग हो जाती है। जैसे ही बीवी बच्चों के साथ कार में कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग कहते हैं भाई साहब आप तो जाइए, हम इसको पहुंचा देंगे। आप देखा करो भीड़ क्या कहती है, आप जाइए जाइए आप जाइए, और वो दूसरे लोग लेके, वो जानते हैं भीड़ को कंट्रोल कौन करे, भीड़ मार देगी कार में बैठे हुए बीवी बच्चों को और उनको। तो ये एक देश विरोधी कानून है, भारत विरोधी कानून है। इस कानून का मैं खुद सड़कों पर आकर विरोध करूंगा। ये सारे ड्राइवर्स, जितने भी लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, बस यूनियन, ऑटो यूनियन, टेम्पो यूनियन, ये सारे जब मैं पढ़ता था तब से मेरे से जुड़े हुए हैं। अभी पूरे देश में विरोध हो रहा है, ये देश विरोधी कानून है, काला कानून है। ये कानून किसी भी कीमत पर देश में लागू नहीं हो सकता, इसको लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, जो भी गाड़ी चला रहा है उन सब के लिए 10 साल की सजा और उनकी मौत का फरमान है। ये कानून तुरंत वापस होना चाहिए। बीजेपी की, केंद्र की सरकार को इसमें प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए, ये बीजेपी के अंत का कारण बनेगा ये कानून। मैं फिर बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कानून वापस ले लो। जिस तरह आपकी किसान विरोधी कानून, किसानों के लिए आप काला कानून लाए थे, वैसा ये कानून है। आप कैसे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, आप उसको 10 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हो? आप जो कार में जा रहा है, जो गाड़ी चला के जा रहा है, वही ड्राइवर है। ये कोई स्पेशल सिर्फ कार और ट्रक वालों के लिए नहीं है, तो सबके ऊपर लागू है कानून, तो सबके ऊपर लागू है। इस कानून को कोई समझ ही नहीं रहा, स्टडी नहीं कर रहा। लोग देख रहे हैं यार ये ट्रक और बस वाले रास्ता रोक कर खड़े हो गए, भैया ये तेरे को बचाने के लिए खड़े हो गए। आप घर में कार में जो घूम रहे हो ना, खुद आप भी ड्राइवर हैं, ये कानून आप पर भी लागू हो चुका है। जो खुश हो रहे हैं ना 150 करोड़ लोग, कि ये तो सिर्फ बस वालों और ट्रक वालों के खिलाफ कानून है, ये पूरे देश की जनता के खिलाफ कानून है, जैसे किसानों के खिलाफ था।